ममता ने मतदाताओं से कहा, मोदी को नहीं दे एक भी वोट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को मतदाताओं से अपील की कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक भी वोट ना दें, क्योंकि वे देश को नष्ट कर देंगे। ममता ने सुंदरबन के नामखाना में एक जनसभा में कहा कि मोदी ने पिछले 5 सालों में देश के लिए कुछ नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने कहा, यदि आप प्रधानमंत्री के तौर पर चौकीदार को चुनते हैं तो वह देश को नष्ट कर देंगे। मतदाता भाजपा को एक भी वोट नहीं देकर उन्हें बाहर कर सकते हैं। उन्होंने कहा, भाजपा ने अल्पसंख्यक आदिवासी और पत्रकारों की हत्या की है और उन्हें पीट पीट कर मारा है। ममता ने कहा, भाजपा से डरने वाली कोई बात नहीं है। यदि एक भी वोट माकपा और कांग्रेस को जाएगा तो इससे भाजपा के हाथ मजबूत होंगे। ममता ने नोटबंदी को लेकर मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने देश में 3 करोड़ नौकरियां नष्ट कर दी हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में पेट्रोल, गैस और डीजल के दाम बढ़े हैं। ममता ने पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ताजपुर बंदरगाह के निर्माण को लेकर अपनी बात से पीछे हट गई है। उन्होंने कहा कि तृणमूल सरकार राज्य में बेरोजगारी को करीब 40% कम करने में कामयाब रही है, जबकि नोटबंदी से देश भर में 3 करोड़ नौकरियां ले ली हैं। ममता बनर्जी ने कहा, हमने गंगासार से मुंडी गंगा नदी पर आगामी 3 से 4 साल में एक पुल बनने के लिए 1000 करोड़ रुपए मुहैया कराने का भी फैसला किया है, जिसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई गई है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।